हाँ जी बेटा जी, आज हम अपना एक नया बायोमोलिक्यूल शुरू कर रहे हैं ऊर्जा। बेटा बायोमोलिक्यूल का नाम क्या है यहाँ पे आज अपना? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं, वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे। नाम के दो हिस्से कर देते हैं। पहला पार्ट क्या है बेटा जी यहाँ पे? कार्बो। कार्बो का क्या मतलब है बेटा जी यहाँ पे? कार्बन। आपने बोला हाइड्रेट। हाइड्रेट का क्या मतलब है बेटा जी यहाँ पे? वॉटर। तो आपने कहा सर दीज आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। दीज आर दी हाइड्रेट्स ऑफ दी कार्बन। अब आप कहोगे सर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को अगर हम समझ के देखते हम कैसे लिखेंगे? तो मैंने बोला सी एन एच टू ओ एन, ठीक वर्ड है ये। बट कार्बोहाइड्रेट इज ए मिसनोमर। ये क्या है बेटा जी? एक मिसनोमर है। मतलब क्या है? वर्ड का मतलब तो वो जो बनता है वो हमने लिख दिया बेटा जी यहाँ पे, बट एक्चुअलिटी में अगर हम इसको समझ के देखें तो ये ऐसा नहीं है। हमें डेफिनेशन को कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने केमिस्ट्री में नाम सुना होगा एसिटिक एसिड। क्या नाम बोला हमने यहाँ पे? एसिटिक एसिड। उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है बेटा जी। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक बात है। कार्बन ग्रुप कितने हैं? हाइड्रोजन ग्रुप कितने हैं? ऑक्सीजन गिनो कितने हैं? यानी कि मैं ये कह सकता हूं, कह सकता हूं ना मैं ये बात? बट क्या ये तो बेटा जी एक एसिड है? क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? तो मतलब मैं जो भी यहां पे कार्बन के हाइड्रेट्स है उन सबको मैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं कह सकता ना बेटा जी, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल भी है। किसका बेटा? यहाँ पे एसिटिक एसिड का, जो दिखने को हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन के इसी फॉर्मूले में सेट हो रहा है यहाँ पे। तो मैं हर एक मॉलिक्यूल जो इस फॉर्मूले में सेट हो जाए मैं उसी कार्बोहाइड्रेट कहने वाला यहाँ पे नहीं हूं। तो आपको इस वर्ड को बस याद रखना है कि हम समझ के देखे तो वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन। बट एक्चुअली इनकी डेफिनेशन क्या है? तो हम कहेंगे बेटा जी दीज आर पोलीहाइड्रोक्सी पोलीहाइड्रोक्सी एल्डोजिस और कीटोस। अब जरा वर्ड को समझो, मैं लिखाऊंगा बाद में। एक मिनट वर्ड को सुनो अभी बेटा, एक बार वर्ड को सुनो पहले। पहले वर्ड को पहले समझ लो अच्छे से। मैंने कहा पहला वर्ड आता है क्या बेटा जी यहाँ पे? एल्डोजीज। कि ये ऐसे बायोमोलिक्यूल है जिनमें या तो फंक्शनल ग्रुप होगा। कौन सा बेटा जी? एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप होगा? एल्डिहाइड। तो आप कहते हो सर CHO ग्रुप को हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये कौन सा ग्रुप है बेटा जी अपना यहाँ पे? एल्डिहाइड ग्रुप है। और कीटोस का मतलब है कि उसमें कीटोन ग्रुप है बेटा जी। ये ग्रुप होता है ये वाला बेटा जी। तो आपने कहा सर ये ऐसे बायोमोलिक्यूल है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल है, बट टर्मिनल पोजिशन पे या उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो या तो क्या होगा बेटा जी? एल्डिहाइड होगा, या फिर क्या होगा आपका? कीटोज होगा। बात आती सर ये ग्रुप कहाँ पे होगा? तो हम कहेंगे ये ग्रुप हमेशा बैठा होगा बेटा जी एट टर्मिनल पोजीशन। ये कहाँ बैठा होगा? टर्मिनल पोजीशन पर ये बैठा होगा एट सेकंड कार्बन। जरा बना के देखते हैं, पहले चीज को समझते हैं बाद में बातें लिखते हैं। पहले समझ के देखते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ग्लूकोज। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया फ्रक्टोज। ये दोनों ऐसे नाम मैंने लिखे हैं जो आप लोगों ने बड़े ही कॉमन से नाम सुने हैं। सर ग्लूकोज क्या फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। फ्रक्टोज का सेम C6H12O6, दोनों सेम चीज है। दोनों क्या है? आपने कहा सर दोनों का फॉर्मूला है C6H12O6 C6H12O6, पर दोनों अलग अलग चीज है। कैसे बेटा जी? ये एक एल्डोज सुगर है और ये एक कीटोज सुगर है। ये कैसा है? कीटोज। तो ये कैसा है? नाम को तोड़ो जरा यहाँ पे सर। ये अगर एल्डोज, इसका मतलब उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है बेटा जी? एल्डिहाइड। और ये ग्रुप होगा तो कहां पे होगा? एट द टर्मिनल पोजिशन। एट द टर्मिनल बना दो जरा। पहला ग्रुप ये है C6, पहला कार्बन ये हो गया सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, छह कार्बन हो गए। अगला वर्ड क्या बोला हमने यहां पे?
हाइड्रोक्सी, क्या बोला हमने सर? डेफिनेशन कहती है कि वो क्या है, यहाँ पे कार्बन के हाइड्रेट्स है, लगा दो हर जगह हाइड्रेट्स। बन गया डायग्राम, कितनी बात मैंने समझ में आई यहां पे? सर यहां पे पॉलीहाइड्रोक्सी है, सब पे OH 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 लगा हुआ है, या तो फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा जी अपना एल्डोज है, या फिर क्या है? डायग्राम बनके तैयार हो गया कसी जी? ऐसे आपने कहा सर ये वाले केस में क्या कही, ये मैंने कहा एग्जांपल किसका है? कीटोज का। यहां पे क्या बैठा है बेटा जी आपका? कीटोन ग्रुप। तो अगर सर यहाँ कीटोन ग्रुप, इसका क्या मतलब है? पहली पोजिशन पे कभी कीटोन नहीं होता, कहां पे होता है बेटा जी? सेकेंड पोजिशन पे क्या होता है? कीटोन होता है। बाकी जगह वही सेम बात बोलूंगा, एच और OH लगा दे तो आप कहोगे सर 2, 3, 4, 5 ठीक, सब जगह क्या लगेगा? OH, H वैलेंसी पूरा करने के लिए एच OH आप लगाते गए बेटा जी, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? ऐसे ही बेटा फ्रक्टोज बन जाएगा। डेफिनेशन को फिर दोबारा तोड़ के देखते हैं, डायग्राम हम बाद में समझेंगे, फिलहाल हमने कहा क्या है बेटा जी? कार्बो हाइड्रेट्स ऑफ दी कार्बन। बट ये वर्ड आपको सिर्फ समझाने के लिए होता है बेटा जी, एक्चुअल इसकी डेफिनेशन क्या होती है? दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज, या फिर क्या है मतलब हाइड्रेट तो है कार्बन के, पर उस हाइड्रेट के साथ हमें एक बात और समझनी है, यहां पे फंक्शनल ग्रुप के तौर पे या तो होगा एल्डिहाइड ग्रुप या फिर क्या होगा? कीटोन ग्रुप होगा। तो कोई भी ऐसा हाइड्रेट ऑफ कार्बन जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो या फिर क्या हो? कीटोन हो, मैं ऐसे बायोमोलिक्यूल को क्या कहूंगा बेटा जी? दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। नाम समझ में आया मेरे भाई? यहाँ पे आपने कहा सर एग्जांपल के तौर पे हमने कहा एल्डिहाइड जो होता है वो होता है फर्स्ट पोजीशन पे, हम इसे टर्मिनल पोजीशन पे, अगर ये कहा होता है आपका सेकंड पे। अब जब एग्जांपल्स की बात करें तो इनको बना बना के देखेंगे। नाम समझ में आया बेटा जी? यहाँ पे लिखिएगा जरा, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज और कीटोज। कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज और कीटोज। अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजिशन। एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजिशन एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट एट कार्बन सेकेंड पोजिशन एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट एट कार्बन सेकेंड पोजिशन। हो गया बेटा, देयर जनरल फॉर्मूला इज CnH2O(n). यहां तक की बात सही है? चलिए अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज सैकराइड, मींस शुगर, एज दे आर स्वीट इन टेस्ट। आप इनको खा के देखोगे तो इनका टेस्ट कैसा है बेटा जी? यहाँ पे स्वीट एकदम कहेंगे, यही शुगर कहलाते हैं, और शुगर के लिए लैटिन वर्ड क्या है बेटा जी? यहाँ पे सैकराइड। तो लिखेगा बेटा जी, दे आर ऑल्सो नोन एज सैकराइड means sugar, as they are sweet in taste. Okay, beta ji. Hey, beta. हाँ, मीठा जो है वो यही है मीठा, आप जो भी मीठी चीज खा रहे हो वहां पे आपको यही दिखाई देगा मीठा, मिठास देने के लिए यही है। आर्टिफिशियल स्वीटनर को छोड़ दो, पर बाकी जहां नेचुरल स्वीटनेस की बात होगी, जो आप फ्रूट्स खाते हो कुछ भी खाते हो, हर जगह क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट है। चलें बेटा जी, अब आपने कहा सर इसको हम डिवाइड करते हैं दो ग्रुप में, हमने बोला स्मॉल सैकराइड, या मैं कहूंगा स्मॉल कार्बोहाइड्रेट,
ये आपने बोला बेटा जी कॉम्प्लेक्स और लार्ज कार्बोहाइड्रेट। अब जरा बेटा जी पहले वर्ड को समझते हैं, फिर एक एक चीजों को लिखना आप लोग बाद में। पहला बेटा जी अगर मैं कह रहा हूं स्मॉल तो इसका क्या मतलब है? दे आर स्मॉल इन साइज, दे आर, तो आपने कहा स्मॉल इन साइज। अगला पॉइंट लो स्मॉल इन साइज, लो इन मॉलिक्यूलर वेट। आप अगर बात करते हो कि सर हमने शुरुआत में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जहां पे हमने ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड वाले की बात की थी, कुछ उसमें सोलुबल थे कुछ उसमें इनसोलुबल थे, तो बता दूं बेटा जी ये क्या है, यहाँ पे आपका एसिड सोलुबल में है, ये क्या एसिड सोलुबल में, तो मैं कहूंगा बेटा जी सोलुबल इन वॉटर, ये पानी में भी क्या है बेटा जी यहाँ पे सोलुबल है। अगला पॉइंट बेटा जी स्वीट इन टेस्ट, आप खाके देखोगे कैसे है बेटा जी आपके मीठे होंगे सारे के सारे बेटा जी। इसका जस्ट इससे अपोजिट कर दो, ये कैसे हैं बेटा जी लार्ज इन साइज, आप कहोगे सर ये क्या है आपके हाई मोलिकुलर वेट के है, ये आपके वाटर में लेस सोलुबल या फिर कैसे हैं इनसोलुबल है बेटा जी, और ये आपके टेस्ट लेस है बेटा जी, किसमें यहाँ पे आपके टेस्ट में, लिखो जल्दी से बात। हाँ तो पर वो टेस्टलेस है क्योंकि उनमें जब बॉन्डिंग बनती है ना तो बॉन्डिंग दौरान उनका टेस्ट वाला नेचर खत्म हो जाएगा, बातें करेंगे अभी थोड़ा सब्र करो। अब हम इनकी बात करते हैं सर स्मॉल वाले के अंदर कौन आते हैं, तो सुनेगा बेटा जी इसके अंदर बेटा जी कौन बिलोंग करते हैं, तो हम कहेंगे इसमें फर्दर दो बात करेंगे हम बेटा जी यहाँ पे। पहला वर्ड आएगा बेटा जी मोनोसेक्राइड, नाम को देखो बेटा नाम को तोड़ो, यहां देखो अभी लक्ष्य मोनो बोले तो सिंगल, आपने कहा सर सैकराइड मतलब सुगर, यानी कि ऐसा कोई सुगर दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइसिस, जिसका फर्दर क्या नहीं हो सकता हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, और वो सिंपलर सुगर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो सबसे सिंपलर जो फॉर्म है वो कौन सा है बेटा जी आपका मोनो सैकराइड है। ठीक बात है, आपने कहा सर अगला नाम यहां पे आता है ओलिगोसैकराइड, नाम क्या आएगा बेटा जी, नाम को तोड़ देते हैं, ओलिगो वर्ड का क्या मतलब होता है बेटा जी फ्यू, और सेक्राइड वर्ड का क्या मतलब है बेटा जी यहाँ पे सुगर, तो क्या समझे वर्ड से, जहां पे कुछ सुगर बेटा जी आपस में बॉन्ड बना के अटैच हो गए एंड दे फॉर्म ए लार्ज चेन, बट वो लार्ज चेन बहुत बड़ी बड़ी नहीं है बेटा जी, दे कंटेन 2 to 9 सुगर, 2 से 9 ऊर्जा बेटा, 2 से लेके 9 सुगर आपस में अटैच हो गए और अटैच होके उन्होंने एक चेन बना दी, तो ऐसे एक स्मॉल चेन ऑफ द सुगर को मैं क्या कहूंगा, वो क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड। आप कहोगे इसका मतलब दे कैन फर्दर हाइड्रोलाइसिस, इनका फर्दर जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो दे यील्ड मोनोसैकेराइड, आपने कहा सर ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका फर्दर ब्रेकडाउन पॉसिबल नहीं है, ये सिंगल सुगर की यूनिट से बने हैं बेटा जी, ये आपके 2 से 9 सुगर जब आपस में अटैच हुई तब जो एक मॉलिक्यूल बना उसको हमने क्या बोला यहाँ पे कैसे बेटा जी अपना यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड, इसका मतलब कितने सुगर जुड़े, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने बेटा जी 9, और आपने कहा सर जब ये सुगर जुड़े ना तो एक स्मॉल चेन बन गई, उसको अगर हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे एंजाइम से तो वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेकडाउन होके क्या बनेगा मोनोसैकेराइड बनेगा, यहां तक की बात सही है। अब आपने कहा सर फिर इसमें कौन आते हैं, तो मैंने कहा मेरे बच्चा इससे बिलोंग करते हैं पॉलीसैकेराइड, इससे कौन बिलोंग करते हैं, नाम को तोड़ो नाम को तोड़ो अभी ऊर्जा, यहां देखो बेटा पहले पॉली, पॉली का क्या मतलब है मैनी, सैकेराइड का मतलब
इट मींस यहां पे मिनिमम बात हुई 2 से 9 की, यहां मैं कहूंगा थाउजेंड्स ऑफ सुगर गेट यूनाइटेड एंड फॉर्म ए लॉन्ग चेन। ये मत कहना सर 9 से ज्यादा वाले, 9 से ज्यादा का कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं जो हमने अपनी सेल में ऑब्जर्व किया हो। यहां तो थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो आपस में क्या हो गए यहां पे अटैच होके एक बहुत बड़ी बड़ी चेन बना रही। जैसे कि आपने नाम सुना है स्टार्च, आपने नाम सुना है ग्लाइकोजन, आपने नाम सुना है सेलुलोज, ये सब या पेप्टाइड और ग्लाइकेन में जो ग्लाइकेन वर्ड आया था बेटा जी, फंगस के सेलोल में काइटीन आता है बेटा जी, दे ऑल आर दी पॉलीसेक्राइड। वो सबके सब क्या है बेटा जी, यहाँ पे पॉलीसेक्राइड्स हैं जो लार्ज नंबर ऑफ द ग्लूकोज या सुगर के मिल के बनाया है बेटा जी यहाँ पे, तो वो है बेटा जी पॉलीसेक्राइड। तो मैं एक लाइन बोल सकता हूं, पॉलीसेक्राइड्स आर पॉलीमर। अभी बेटा ये क्या है यहाँ पे, आप बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हो सर, न्यूक्लिक एसिड भी क्या था, एक पॉलीमर था, प्रोटीन भी क्या था, एक पॉलीमर था, और अब हमारा तीसरा नाम आ गया कौन सा यहां पे, पॉलीसेक्राइड। ये भी क्या है बेटा जी, हमारे पॉलीमर है, बट लिपिड में हमने मेंशन किया था कि वो हमारा बेटा जी यहाँ पे पॉलीमर नहीं है। वो क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे, ना ही मैक्रो कैटेगरी में आ रहा था, ना ही पॉलीमर था, बट वो भी किसमें बैठा था, लिपिड के इनसोल्युबल फ्रैक्शन में था लिपिड के। तो खास हमारे लिए कौन बन जाता है, लिपिड उन चीजों से हटके है, बाकी चीजें तो सेम हमें दिखाई दे रही है। लिपिड का इनसोल्यूबल है क्योंकि मॉलिकुलर मास 10,000 डाल्टन से ज्यादा था, लिपिड का कम भी था फिर भी उनके साथ बैठा हुआ था। तो लिपिड के बारे में बातें याद रहेंगी बेटा जी। हम यहाँ पे जब बात करते हैं कि सर लिपिड के इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में हमें क्या दिखाई दिया, तो हमें क्या दिखाई दिया बेटा जी, पॉलीसेक्राइड दिखाई दिया हमें, क्या दिखाई दिया पॉली। ये दोनों तो भैया जी लिपिड में क्या है अपने यहाँ पे, सॉरी उसमें अपने वाटर में क्या है, सोलुबल है, तो ये तो बेटा जी फिल्टर हो गए थे वहां पे, आपका जो इनसोलुबल फ्रैक्शन था उसमें कौन थे यहाँ पे, पॉलीसेक्राइड थे। तो दीज आर आवर मैक्रोमोलिक्यूल, दीज आर आवर पॉलीमर, और वहां पे मोनोमर का क्या नाम बेटा जी यहाँ पे, मोनोसेक्राइड। ये बार बार जब रिपीट होता है तो क्या बनते हैं, पॉलीसेक्राइड बनते हैं। बात समझ में आती है, हाँ या ना। तो अब हम इन एक एक को पढ़ना शुरू करेंगे क्या क्या होते हैं, तो टूटते जाएंगे और आपके ओलिगो बनेगा, मोनो बनेगा, पर लास्ट में तोड़ के हमें उसको मोनो तक तोड़ना है, उसको मोनो मीठा होगा बिल्कुल। पोली देखो जब तक वो जुड़ा हुआ है तभी तो पोली है ना बेटा, एक बात बताओ जब तक वो जुड़ा हुआ है तभी तो पोली है ना, अगर वो टूट गया तो फिर तुम कंडेंसेशन जब होगा, जब उसके रिएक्शंस होंगे आपस में तो उसका वो नेचर खत्म होने वाला है। यहाँ पे कंडेंसेशन नहीं है बेटा, ये चीज जुड़ेगी तो मतलब केमिकल रिएक्शन होगा ना, और हमने लिविंग वर्ल्ड में, हेलो 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 देखो इस बच्चे की इस बात को यहीं क्लियर कर देते हैं, और ये मैं उम्मीद करूंगा आप लोग रेस्पॉन्ड करोगे। प्रॉपर्टी ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज डिपेंड अपॉन वो किस चीज से मिलकर बना है और उन चीज में कैसा इंट्रेक्शन होता है, किससे डिसाइड होती है, वो भाई साहब तुम ये छोटे छोटे क्वेश्चनों के आंसर तो दिया करो, लिविंग वर्ल्ड पढ़ के आए हो। किसी भी चीज की प्रॉपर्टी किस चीज पे डिपेंड करती है, द केमिकल कंपोजिशन और द इंट्रेक्शन, इंट्रेक्शन पे। गुड़िया बहुत ही बकवास एग्जांपल देके समझाता हूं क्लास में, लाइन में आपको यहाँ पे H2O किससे बना है, आप अगर यहां पे हाइड्रोजन की बात करोगे इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, ये नेचर में कैसा है, हाइड्रोजन बॉम्ब, सुना है ना नाम, ऑक्सीजन कोज कंबसन, दोनों नेचर में कैसे आग लगाने वाले हैं, दोनों नेचर में कैसे आग, पर जब दोनों पास में आए ना तो ये आग को बुझाने का काम करते हैं, आग को लगाने का काम नहीं करते। तो अगर पानी की प्रॉपर्टीज बात पर डिपेंड करनी होती ना कि वो किन चीज से मिलके बना है, तो भैया जी उसे भी आग लगानी चाहिए थी, आपको बुझाना नहीं चाहिए था, पर ये आग को बुझा रहा है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी जब डिसाइड होती है तो इस बात से डिसाइड नहीं होती वो किन से मिलके बना है, वो इस बात से डिसाइड होती है जो चीज से मिलके बना है उनमें इंट्रेक्शन कैसा हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी नेट बेटा जी इनका इंट्रेक्शन डिसाइड करता है। तो ये मत सोचो बेटा कि पॉलीसेक्राइड मोनो से बना है तो उसे स्वीट होना चाहिए, पर जब मोनोसेक्राइड आपस में इंट्रैक्ट करेंगे और एक बड़ी चेन बनेगी, वहां पे कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, रिएक्शन होगा, बॉन्ड बनेगा ग्लाइकोसिडिक यहाँ पे, और जितना ज्यादा वो बॉन्ड बनता जाएगा वहां पे उतना उसकी स्वीटनेस क्या होती जाएगी बेटा जी, डिक्रीज होती जाएगी, एंड दे बिकम टेस्टलेस। ये कैसे हो जाएंगे यहाँ पे,
मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये मत सोच बेटा वो मोनो से ही तो बने हैं सर, उनको ऐसा होना चाहिए था। इंट्रेक्शन डिसाइड करते हैं ना कि उसकी कंपोजिशन डिसाइड करती है। ये एग्जाम्पल याद रख लोगे बेटा, आई थिंक इससे इजी एग्जाम्पल नहीं हो सकते इस बात को समझने के। जब तो कहा कि लिविंग वर्ल्ड में पढ़ के आए हो इस बात को बेटा। ये चीज लिखी बेटा जी यहां पे, इसमें लिखना सिंगल सुगर प्रेजेंट, नो फर्दर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल। इसमें लिखना ओलिगो बेटा जी, 229 सुगर गेट यूनाइटेड, 229 सुगर गेट यूनाइटेड एंड दे यील्ड मोनोसैकेराइड, एंड दे यील्ड मोनोसैकेराइड डूरिंग हाइड्रोलाइसिस, एंड दे यील्ड मोनोसैकेराइड डूरिंग हाइड्रोलाइसिस। पॉली में लिखना बेटा जी, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ sugar and produce monosaccharide during hydrolysis. अब बेटा हेडिंग डालो मोनोसैकेराइड, क्या हमें सबसे पहला पढ़ना है मोनोसैकेराइड। हमारा क्या है पहला टॉपिक बेटा, मोनोसैकेराइड। अब इसके हम जो भी नाम लिखने वाले हैं वो नाम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन नंबर, और यहां पे बेटा जी हम सफिक्स यूज करने वाले हैं ओज। सफिक्स का यूज होगा ओज, और हम इंडिकेट करेंगे कार्बन का नंबर, जैसे कि मैंने नाम बोला ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। पहले सुनो बेटा बात को। अब आप कहते हो सर मोनोसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला हमने लिखा था CnH2ON, ये क्या उनका जनरल फॉर्मूला है? तो अगर मैं कहता हूं ट्रायोज, इसका क्या मतलब है? थ्री कार्बन नंबर, और सफिक्स क्या लगाया बेटा जी मैंने? ओज। तो आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H6O3। टेट्रोज में कार्बन नंबर कितना हो गया? 4। तो फॉर्मूला क्या हो गया? C4H10O4, सॉरी H8। पेंटोज में क्या हो गया बेटा जी? C5H10O5। एक्सोज में C6H12O6। ठीक बात है। अब अपने का सर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पे बेटा जी हम एग्जाम्पल आपको देते हैं ग्लिसरल एल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इरेथ्रोज, थ्रियोज, राइबोज, साइलुलोज, राइबुलोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, मैनोज। ये कुछ एग्जाम्पल हमने दिए बेटा जी आपको। DHA का मतलब है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इनमें से आपके दिमाग में किस किस नाम को आपको दिमाग में सेट करना? देखो मेरे भाई, ये दो आपको याद नहीं रहते, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
ये एग्जाम्पल आपको याद नहीं रहते हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप लोगों ने जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ा ना, तो आपको अगर ध्यान है तो ये नाम आपने वहां पे याद किया था, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हमें इसको समझना पड़ेगा क्या होने वाला है। ठीक बात है, अगर आपको ध्यान हो आपने कहा था मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन का नाम क्या था, रूबिस्को राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। याद है वो जब राइबुलोज वर्ड पढ़ा था तो वो आपने कहा था सर वो एक्चुअली सबस्ट्रेट के ऊपर ऐड करता है CO2 को, तो उसके सबस्ट्रेट का नाम क्या था बेटा जी वहां पे राइबुलोज था। तो वो भी भैया जी शुगर की बातें होती है वहां पे। आप कहते हो मोस्ट अबेंडेंट अगर नेचर में कोई मोनोसेक्राइड है तो वो क्या है बेटा जी, अपना यहाँ पे हेक्सो शुगर है और उसकी बातें होती है। ये हमारा है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कुछ बनता है तो क्या बनता है ग्लूकोज, और ये चीजें क्या होती है इनके हम हल्की हल्की बातें आपके साथ करेंगे। तो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर समझना है मेनली किनका बेटा जी, पेंटोज और हेक्सोज के बारे में हमें समझना है क्योंकि ये हमारे बार बार इस्तेमाल आने वाला है। रूबिस्को ही सबसे अबंडेंट है गुड़िया, राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम का ये नाम है गुड़िया। अगर वो कहता है एनिमल वर्ल्ड में कौन स्पेसिफाई है, एनिमल वर्ल्ड बोल देना गुड़िया वो, तो आप कहना अब कोलेजन आ गया। वो कहता है बायोस्फेयर में कौन अबंडेंट है तो कौन है रूबिस्को। ये कह दे कि एनिमल वर्ल्ड में या एनिमल में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या है, वो एनिमल बोल देता है तो क्या बोलोगे कोलेजन, मोस्ट अबंडेंट ओनली इन द केस ऑफ द एनिमल। हमारे पास रूबिस्को क्या करेगा, खाना बनाने का काम करता है रूबिस्को, हम तो खाना बनाते ही नहीं, हम तो किस पे डिपेंड है बेटा जी प्लांट पे, तो हम तो हेटरोट्रॉफिक नेचर के हैं ना। हाँ जी शुरू करें मेरे भाई, यहाँ पे इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है। यहाँ पे देखो डायग्राम कुछ मुश्किल नहीं, आप सारे बना दोगे अपने आप। पहले लीनियर डायग्राम को देखते हैं, सब यहां देखना मेरे भाई, एक एक बार डायग्राम समझेंगे उसके बाद आप खुद बनाना शुरू करो। मैं आपको सबसे पहली बात क्या बोलता हूं, हम सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं एक्सोज का। मैंने कहा बेटा जी दो प्रकार के शुगर हैं, इस नाम से क्या समझे ऊर्जा, इसमें क्या प्रेजेंट है एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें क्या प्रेजेंट है, नाम समझ में आ गया। दोनों में कार्बन नंबर कितने हैं 6, पक्का आप 6 कार्बन है एल्डिहाइड या फिर क्या। आपने कहा सबसे पहला सर यहां पे एग्जांपल आता है ग्लूकोज, क्या नाम आता है यहां पे सर एग्जांपल आता है फ्रक्टोज। फॉर्मूला दोनों का क्या होगा C6H12O6, दोनों का कॉमन फॉर्मूला है। ठीक है अब आपने कहा सर एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है, लगा दिया सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ठीक है सबका राइट हैंड साइड में OH लगाना है, बट एक बात याद रखनी है तीन तिगाड़ू काम बिगाड़ू, बोलते ना इसलिए तीन लोगों का काम खराब होता है, तो वो बात याद रखना तीन तिगाड़ू काम बिगाड़ू। थर्ड पोजीशन पे OH कहां आने वाला है, उनका लेफ्ट हैंड साइड आने वाला है, और हर जगह बेटा जी आपका OH ऐसा ही बैठा है। ये डायग्राम किसका है, तो याद रखना क्या है हमें यहाँ पे एल्डो सुगर है पॉलीहाइड्रोक्सी है और आपको HOH लगाना है बस। दोबारा बोलो इसका कोई रीजन नहीं गुड़िया, हम बायोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं गुड़िया, इसके अंदर ये इस साइड में होता है, हम स्ट्रक्चर्स के मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं गुड़िया। अब ऐसा नहीं किसका ऐसा क्यों है, इन स्ट्रक्चर से इनकी प्रॉपर्टी डिसाइड होती है गुड़िया, हुआ मेरे भाई। सेम बात आपको फ्रक्टोज में याद रखनी, फ्रक्टोज का डायग्राम कैसे, हेलो हेलो मेरे को देखते रहो गुड़िया, पहले फ्रक्टोज का बनाओ, क्या कहोगे सर सबसे पहली बात आती है 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है गुड़िया, देखो पहले यहाँ पे 6 कार्बन है सर, ये कीटोज है मतलब यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा कीटोन होगा, कीटोन कहाँ पे होता है वो लगाया पॉलीहाइड्रोक्सी है, हर जगह क्या लगाना मुझे OH OH, वही बात तीन तिगाड़ो काम बिगाड़ो तो OH इधर आ गया। ठीक बात है वैलेंसी पूरा करने के लिए सबके साथ क्या लगाना है
एच, जो आपने बेटा डेफिनेशन लिखी है उसी डेफिनेशन के साथ आपको खेलना है मेरे भाई, और कुछ भी चीज नहीं है। पॉली हाइड्रोक्सी या तो एल्डोज है या फिर क्या है, कीटोज है। बन गया डायग्राम आशुतोष, इनमें कोई दिक्कत कोई ना आ रही है हमें याद करने में? आपने कभी वर्ड सुना आइसोमर, आइसोमेरिज्म? क्या होते हैं आइसोमर? दैट सिमिलर इन फॉर्मूला बट डिफर इन, ये दोनों आपको क्या लग रहे हैं? दीज आर आइसोमर। वन हाइड्रोक्सी एल्डोज और बेटा जी की दोस्त की ऊपर बात रही। रोहन वंस, यस सर, यस सर, ओके बेटा, खुद कोशिश करो बनाने की, बन जाएंगे डायग्राम, तो बड़ा काम है ही नहीं। अब अगर आप लोगों ने आइसोमर पढ़े हैं तो हमें सारे डायग्राम याद रखना बहुत आसान है। अगर मैं कहूं आइसोमर कैसे कैसे होते हैं, देखो मैं कुछ वर्ड अगर यूज करूं, आगे जाके आप केमिस्ट्री बहुत सारे आइसोमर पढ़ोगे, बट फिलहाल वर्ड को सुनना। मैंने कहा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्या बोला मैंने? एक्चुअली आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अगर डिफरेंस है तो किस बिहाफ पे? ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा जी। सर एक में एल्डिहाइड है तो एक में क्या है यहाँ पे, कीटोन है, तो दे आर आइसोमर बिकॉज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। दोनों का फॉर्मूला सेम है बेटा जी यहाँ पे। ऐसे हम वर्ड यूज करते हैं स्टीरियो आइसोमर, क्या वर्ड होता है बेटा जी? जिनमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम है बट पोजिशन ऑफ द एटम्स अराउंड द कार्बन वो क्या हो जाए बेटा जी, चेंज हो जाए, हम ऐसे वालों को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर, या उसे हम नाम देंगे एपिमर। क्या नाम देंगे? जैसे कि आप वर्ड सुनते हैं, मैंने बोला अब आपके दो एग्जांपल आते हैं यहाँ पे, एक आता है बेटा जी मैनोज, एक आता है बेटा जी यहाँ पे गैलेक्टोज। ये बेटा दोनों एल्डोज हैं ये भी, और ये दोनों भी कैसे हैं यहाँ पे, हेक्सोज है। तो मुझे दो बात समझ में आ गई, सर अगर ये एल्डोज है मतलब इनमें भी यही सेम चीजें हैं, और सर ये भी हेक्सोज मतलब इनका केमिकल फॉर्मूला भी यही है, बट फिर भी ये अलग है, मतलब अब अलग क्या रहेगा? तो मैं कहूंगा इस कार्बन के अराउंड जो एच और OH की पोजीशन है ना, इनमें क्या आने वाला है बेटा जी यहाँ पे, डिफरेंस आता है, और उस डिफरेंस के व्यापे उनके स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं बेटा जी, अलग अलग हो जाते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? तो मैं अगर सिंपल से एक बात बोलूं कि